डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स की बोलती किताबों में खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाकफियत आमा बराए जमात दोम का बाब नंबर 4 करेंगे, जिसका उन्वान है मजहबी त्यौहार। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर की पढ़ाई हम कर चुके हैं, तो आज हम पेज नंबर 19 पे दी गई सरगर्मियां करेंगे। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 19 पे दी गई पहली सरगर्मी है ज़बानी जवाब दें। सरगर्मी में आपने बच्चों से सवाल करने हैं जिनका उन्होंने आपको ज़बानी जवाब देना है। तो पहला सवाल अलिफ है, त्यौहार से क्या मुराद है? जिसका जवाब है, त्यौहार से मुराद है खुशी का दिन। सवाल नंबर बे है, मुसलमान ईद उल फितर कब मनाते हैं? जिसका जवाब है, मुसलमान यकम शवाल को ईद मनाते हैं। सवाल नंबर जीम है, किस मज़हब के लोग होली मनाते हैं? जिसका जवाब है, हिंदू मज़हब के लोग होली मनाते हैं। सफ़ा नंबर 19 पे दी गई दूसरी सरगर्मी है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक का और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, इसके सामने टिक का निशान लगाएं। बैसाखी हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है, ये गलत है, बैसाखी सिखों का त्यौहार है, तो इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सामने टिक का निशान लगाएं। मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दुरूद व नात की महफिलें सजाई जाती हैं, ये दुरुस्त है, इसके सामने टिक का निशान लगाएं। क्रिसमस का त्यौहार 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये गलत है, क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 20 पे दी गई तीसरी सरगर्मी है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। इसमें कॉलम अलिफ में दिया गया है मुसलमान, मुसलमान को ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से मिलाएं, क्योंकि मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईसाई को क्रिसमस से मिलाएं, क्योंकि ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। हिंदू को होली से मिलाएं, क्योंकि हिंदू होली मनाते हैं। और सिख को बैसाखी से मिलाएं, क्योंकि सिख बैसाखी बनाते हैं। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 20 पे दी गई चौथी सरगर्मी है, दी हुई तस्वीर गौर से देखें और त्यौहारों का नाम लिखें। पहली तस्वीर बैसाखी की त्यौहार की है, दूसरी तस्वीर क्रिसमस की त्यौहार की है, तीसरी तस्वीर ईद उल फितर के त्यौहार की है और चौथी होली के त्यौहार की है। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 20 पे दी गई अमली सरगर्मियों को आप बच्चों को होमवर्क में दें, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त के लिए चार्ट की मदद से ईद कार्ड बनाने हैं और दोस्तों को देने हैं। फिर उसके बाद अपने उसाद्सा या वालदेन से दीगर मज़ाहिब और उनके त्यौहारों के बारे में मालूमात हासिल करनी है और साथियों से बातचीत करनी है। इसमें एक दिन बच्चा वालदेन और उसाद्सा से मालूमात लेगा और अगले दिन आकर साथियों से उसको शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।